गुलिया खाप 84 का ऐतिहासिक दसोटन कार्यक्रम का आयोजन गांव बाड़सा में किया जा रहा है। जी हां, हमारे साथ आप देख सकते हैं गुलिया खाप 84 के प्रधान चौधरी सुनील गुलिया जहांगीरपुर यहां भारी लावे लश्कर के साथ अपनी पुरानी परम संस्कार और संस्कृति को निभाते हुए आज ये अपने सभी क्षेत्र की सरदारी तपों के खापों के सरदारों के साथ पहुंचे हैं बाड़सा गांव में। जी हां, अवसर है सामाजिक समरसता का, भाईचारे का, एकता का प्रतीक गांव बाड़सा में आयोजित होने वाला यह 84 गांव का दसोटन कार्यक्रम। आइए बात करते हैं गुलिया 84 खाप के प्रधान चौधरी सुनील गुलिया जहांगीरपुर से। प्रधान जी, बड़ा भारी अवसर है, लगातार क्षेत्र में इस तरह के अवसर होते रहे हैं और आज आप बड़े भारी दल बल और विभिन्न तपो खापो की सरदारी के साथ गांव बाड़सा में पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले संजय जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का पल है, क्योंकि इस परिवार के साथ जो त्रासदी आज से 18-19 साल पहले जो त्रासदी हुई थी, परमात्मा ने उस टाइम पे दीवे को जो फूंक लगाने का काम किया था, लेकिन बड़े बड़े विद्वान और बड़े बड़े आदमियों ने हमेशा ये बात बताई है कि जो परमात्मा करता है उसको स्वीकार करना चाहिए, वही उसके रिक्त स्थान को भरने का काम करता है। तो मैं आपको बधाई देता हूँ कि उसके बाद 16-17 साल के बाद संतान की प्राप्ति और वापस ये चिराग जो है चश्मे चिराग इस परिवार के अंदर हुआ और इस परिवार ने महसूस किया कि हम गुलिया 84 का एक बड़ा आयोजन करके इस बच्चे को आशीर्वाद देने का जो काम करेंगे उसमें सारी जनता एकत्रित हुई। और इसी विषय में आज ये दसोटन का जो कार्यक्रम है, बच्चा 5 साल का हो चुका है, 5 साल के बाद इसका एक जन्मदिन भी है और दसोटन का कार्यक्रम भी है, क्योंकि हमारी जो परंपराएं हैं उसमें ये होता है कि कहीं भी कभी जन्मदिन की व्यवस्था की बजाय अगर इतने ज़्यादा गाँव खाप इकट्ठा होती है तो उसके अंदर रपड़िए पोतड़े का सिस्टम होता है, तो हम रपड़िया पोतड़ा लेने का भी काम करेंगे। नहीं, प्रोग्राम की बात, प्रोग्राम आपके सामने है, जन सैलाब यहाँ उमड़ा हुआ है और ये जन सैलाब का प्यार है हमारे अंदर, एक ही खासियत हमारी खाप के अंदर, हमारे पिताजी प्रधान बनने के बाद और मेरे को भी 6 साल प्रधान बने हुए हो गए, हमने बाप बेटा उन्हें एक ही चीज़ पैदा की खाप के अंदर, हमने खाप के अंदर एक ललक पैदा की, एक दूसरे से मिलने के लिए एक अवसर पैदा किए और सभी के अंदर इतना प्यार बना दिया और एक मजबूत हमने संगठन को खड़ा किया है अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद से। आज उस संगठन की ही देन है कि हमारे टेंट के अंदर जनता यहाँ थी, यूपी से, मुजफ्फरनगर से, शामली से, राजस्थान से, प्रखास से भी गुलिया के परिवार आए हुए हैं। हमारी गुलिया की सरदारी जहाँ भी है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे हिंदुस्तान की गुलिया की सरदारी जहाँ भी कीने हैं हमारे कीनों की सरदारी, और शोराण गोत्र भी यहाँ विराजमान है इस खेड़े के अंदर, शोराण गोत्र के भी जितने भी खेड़े हैं सभी उत्तर भारत के अंदर से, जाटों के जहाँ भी पली है वहाँ से सभी गोत्र के, तीनों गोत्र के आपके बीच में है। और ये मैं मानता हूँ कि हमारे जो बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद है और ये मेरी मेहनत है, इन लोगों के मार्गदर्शन के हिसाब से मैं चलता हूँ और मैंने आज आपको, आपके सामने पूरे समाज को एकत्रित करके दिखा दिया इस नादान उम्र में, ये आपके सामने है। जी हाँ, और देखिए गुलिया खाप का यह युवा 84 का प्रधान जो अपने क्षेत्र में न केवल इस तरह के धार्मिक आयोजनों में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं अभी तो समाज पर आई विपत्ति के लिए भी खड़े रहते हैं, समाज में बढ़ती हुई खाई और भाईचारे की दरारों को पाटने का काम कर रहा गुलिया खाप 84 का यह युवा प्रधान चौधरी सुनील गुलिया जहांगीरपुर, आज बड़ी खुशी का और हर्ष का विषय है बाड़सा गाँव में, क्या कहोगे सरपंच साहब? बड़ी माहौल देखकर बड़ी खुशी है और हमारे 5 साल का हो गया लड़का और हम बड़ी धूमधाम से इसको प्रधान जी के आशीर्वाद से कर रहे हैं। जी प्रधान जी, अंत में क्या संदेश दोगे अपने तमाम गुलिया खाप को और चैनल के जो श्रोता उनको क्या कहोगे? मैं सबसे पहले तो इस परिवार को मैं एक संदेश दूंगा जी कि हमारे यहाँ पूरा समाज एकत्रित है, मैं इस परिवार को ये कहूंगा कि इस बेटे के ऊपर सभी की नजर है, सबसे पहले शिक्षा और दीक्षा, इस बच्चे को ऐसा संपन्न बनाओ कि आगे चल के कोई आदमी चर्चा करे भाई वहाँ उस टाइम में हम के अंदर आहुति डालने का काम किया था, आज वो बच्चा है उन ऊंचाइयों पे। मैं पहले तो इस परिवार को ये कहूंगा। रही बाकी खाप की बात, मेरी खाप इतनी जागरूक है कि मेरे को अब ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, मैं तो इनसे सीखने का काम करता हूं और मैं एक आवाज बुलंद करूंगा, मेरी खाप वहीं इकट्ठा हो जाएगी, मेरे को पूर्ण भरोसा है। जी हाँ, किसी भी खाप क्षेत्र गोत्र जाति का विकास तभी हो सकता है जैसा कि चौधरी सुनील गुलिया जहांगीरपुर ने बताया कि शिक्षा और दीक्षा, अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को बेहतर शिक्षा दे, बेहतर संस्कार दे, ताकि वो आगे चलकर के एक दिन अपनी खाप का, अपने क्षेत्र का, अपने प्रदेश का और अपने देश का नाम रोशन कर सके।